बड़वानी जिले में शासकीय भूमि पर कब्जाधारियों के द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की मुहिम लगातार जारी है, जिसके चलते आज सुबह से शहर में आशा ग्राम रोड पर जहां अवैध कब्जा कर दीपक शुक्ला ने गेहूं का ग्रेंडिंग प्लांट बनाया था, जिसे नोटिस जारी किया गया था, उसने अपनी स्वेच्छा से ही अतिक्रमण को हटा दिया है। वहीं पदम जैन द्वारा अपनी कॉलोनी के पास 1.5 एकड़ शासकीय भूमि जिस पर बाउंड्री वॉल कर कब्जा कर रखा था, उस पर प्रशासन ने जेसीबी चला दी है। बता दें कि जिले भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार मुहिम जारी है और अब तक करोड़ों रुपए की जमीन को मुक्त करवा चुके हैं और कार्यवाही लगातार जारी है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। जिले में कार्रवाई चल रही है सर, क्या कहूँ? पूरे प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सुशासन के तहत जो माफिया को कार्रवाई की जा रही है, हमारे बड़वानी जिले में भी जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके द्वारा गलत तरीके से सरकारी जमीनों को हथिया लिया है या गलत तरीके से पैसा कमा करके प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लिए हैं, हम ऐसी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको हम मुक्त भी करा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी प्रॉपर्टी मुक्त भी करा दी है। सर, भू माफियाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं और जिन्होंने शासकीय भूमि पर कब्जा किया है? सर, ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भू माफिया को कड़ा संदेश दिया हुआ है कि ऐसे जो लोग हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पर भी जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।